तो देखिए फ्रेंड्स, भूत आया है, भूत आया है, हे भगवान, भूत आया है। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी किचन में काम चल रहा है, आज संडे है तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, मटन कुक कर रही हूँ। चलिए बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं। अभी 10:30 बजे नींद से उठे हैं, क्योंकि डेली मुझे सुबह 6 बजे या तो 6:30 को उठना पड़ता है, क्योंकि इनका ऑफिस है, बच्चे का स्कूल है, तो आज थोड़ा लेट उठे हैं। संडे एक दिन छुट्टी मिलता है, ठीक है, हस्बैंड को सैटरडे भी छुट्टी नहीं है और बेटी का 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे स्कूल है, तो सोचिए मेरा हालत क्या है, सारा दिन काम और काम और काम। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, आप लोग तो जानते ही हो मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरा करते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मटन मैं फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख लो, बहुत अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी करके बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि थक गए हैं कुकिंग करते करते, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी तो चाहिए, तो टी ब्रेक ले लेते हैं और क्या। यहाँ पर है, घर का हालत अभी बहुत ही ख़राब है क्योंकि अभी भी साफ नहीं हुआ, तो कुक करेंगे फिर उसके बाद घर सफाई करेंगे। कितना अच्छा लगता है। आज भी वेदर बहुत अच्छा नहीं है, सुबह के टाइम में बारिश हो रही थी और उस टाइम हम सो रहे थे और हल्का हल्का आँख खुलता है ना, जैसे बाहर बारिश हो तो आवाज़ से आँख खुलता है, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी उठते हैं, तो आज तो लेट उठे हैं, तो उस टाइम नींद टूट गई थी मगर फिर भी हम सो रहे थे। तो उस टाइम मैंने देखा विंडो से बारिश हो रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मटन तो बनी रही है, इसी के साथ ये सब कुछ स्टीम करेंगे, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने अच्छे से धो के यहाँ पर भिगो के रख दिया है, अभी इसको लेंगे और प्रेशर कुकर के अंदर डालते जाएंगे और इसको स्टीम करेंगे। हम लोग स्टीम करके खाते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस प्रेशर कुकर के अंदर अभी सीटी लगा देंगे, बस हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए दही है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं और इसको भी ऐड करेंगे मटन के अंदर। थोड़ा ज़्यादा करके ही देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दही भी मैंने ऐड किया है, आप लोग भी जब मटन बनाओ दही ज़रूर ऐड करिए, इससे ना मटन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। काम करते करते ना थक जाते हैं और क्या बताएं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने मसाले भिगो कर रख दिया है और ये मसाला मटन के अंदर डालेंगे। चलिए दिखाते हैं, और अच्छे से मिक्स करेंगे, मटन खाने में ना बहुत ही टेस्टी आएगा। ये मेरे होममेड मसाले हैं इस वजह से। चलिए कुक करते हैं और क्या। तो चलिए फिर छत पर चलते हैं, यहाँ की वेदर कैसा है दिखाते हैं, आइए। क्या बताएं आप लोगों को, देखिए फ्रेंड्स ये वाला फ्लावर देखिए आप लोगों को, कितना छोटा है, बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है मगर इतना स्मेल है ना आप लोगों को, क्या बताएं, मदहोश हो जाएंगे हम। और भी फ्लावर है दिखाते हैं। कितना स्मेल देता है आप लोगों को, क्या बताएं, इतना अच्छा स्मेल है फ्रेंड्स। देखिए इसको, फ्लावर को देखिए, ये वाला फ्लावर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज़ का है, इतना साइज़ का है मगर इसका स्मेल, हाय हाय क्या बताएं,
हल्का हल्का बारिश भी हो रही है, आप लोगों को कैसे दिखाई ये वाला बारिश ना आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे वाला फ्लावर है वो भी दिखाते हैं, आइए वाला फ्लावर देखिए फ्रेंड्स, और इसमें कोई स्मेल नहीं है, और बैक कैमरा कर तपरे दिखाई, बारिश हो रही है देखिए आप लोग तभी समझ में आ जाएगा, देखिए और कितना हवा चल रही है, बाप रे कितना हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, मगर सच में बारिश हो रही है, तो घर के अंदर चलते हैं नहीं तो भीग जाएंगे। अभी हस्बैंड बोल रहे हैं बारिश में वो भीगेंगे, तो इस वजह से वो छत पर जाएंगे, एक्चुअली छत पर जाएंगे थोड़ा पौधे वगैरह लगाएंगे, अभी बारिश हो रही है उसका नहाना भी नहीं हुआ, तो वहाँ से पौधे लगाएंगे और नीचे आएंगे नहा लेंगे फिर खाना खा के सो जाएंगे, ऐसा ही कुछ प्लानिंग है उनका। चलिए लाइट ऑफ कर देते हैं और किचन में जाते हैं, और क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है, चलिए दिखाते हैं विंडो से बाहर दिखाते हैं, चलिए बाल बढ़ गए हैं वही बोल रही है। चलिए अभी हम नहा के आए हैं फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को दिखाना है, आज लाइट का हालत बहुत ही खराब है गेस्ट रूम में, तो लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर सीन हो कुछ। चलिए दिखाते हैं, आइए तो देखिए फ्रेंड्स, भूत आया है, भूत आया है, हे भगवान भूत आया है, बताए कपड़े कुछ भी सूख नहीं रहा है फ्रेंड्स, कल वाले कपड़े मोटा मोटी सूखा है, पहनने के लिए हो जाएगा मगर धूप में देने से जैसा सूखता है ना ऐसा नहीं सूखा है, तो क्या कर सकते हैं, अभी ये भी भीगा है गमछा, और आप जानते ही हो मुझे भीगे हुए गमछे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको कहाँ पर टंगाए वही सोच रहे हैं। आ गए हैं किचन में, देखिए वहाँ पर राइस हो रही है, वहाँ पर मटन है, वहाँ पर स्टीम किया हुआ जो करेला बैगन जो सब मैंने डाला था ना, पम्पकिन और शिमला मिर्च वो सब है, उसको मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और खा लेंगे, वे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए और यहाँ पर है, चलिए दिखाते हैं गमछा यहाँ पर ही रख देते, यहाँ पर है फेस पैक, अभी तक फेस पैक भी नहीं लगाया है। ओ मटन तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, कैसा बना है दिखने में, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस पैक लगा लिया है और मटन अभी तक दिखा नहीं, दिखाएंगे दिखाएंगे, अभी राइस जब निकालेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फेस पैक धो के आए हैं और फेस कितना चमक रहा है, और कुछ भी नहीं लगाया है, देख लो देख लो, ये फेस पैक बहुत ही बढ़िया है। अभी खाने के लिए बैठ जाएंगे, देखिए अभी सर्व हो रही है, दिखाएंगे दिखाएंगे सब कुछ दिखाएंगे।